नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिनभर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। ऊपरी पहाड़ों में पहली बर्फबारी हुई तो निचले हिमाचल में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। बारिश के बाद अब किसानों ने भी बारिश को गेहूं की फसल के लिए बताया फायदेमंद। नशा निवारण पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग व जिला वासा संस्कृति अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत पांडवी के बगोटू वार्ड में एक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दिव्यांग छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने के उद्देश्य से हमीरपुर में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में 50 के करीब दिव्यांग बच्चों ने लिया हिस्सा। हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही चली शांतिपूर्ण ढंग से। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से सरकारी स्कूलों में बच्चियों के छेड़छाड़ की घटनाओं पर उठाए सवाल।